हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SECR रेलवे भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर 432 वैकेंसीज है, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास का होना जरूरी है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत निकली है, जिसको SECR रेलवे भी कहा जाता है। यहाँ पर पोस्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग डेट 11/9/2021, लास्ट डेट 10/10/2021 रखी गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर किस प्रकार है। कोपा के लिए यहाँ पर 90 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 15, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 15, फिटर के लिए 125 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 40, फायरमैन के लिए 25, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी, RAC मैकेनिक के लिए 15 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 20 वैकेंसी, प्लम्बर के लिए 4 वैकेंसी, पेंटर के लिए 10 वैकेंसी, कारपेंटर के लिए 13, मैकेनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी और टर्नर के लिए 5 वैकेंसी, शीट मेटल वर्कर के लिए 5 वैकेंसी, दुर्गेस्टमैन सिविल के लिए 4 वैकेंसी, गैस कटर के लिए 20 वैकेंसीज है। यहाँ पर ड्रेसर के लिए 2 वैकेंसीज, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 3 वैकेंसीज है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है, मैकेनिक मेडिकल इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पर डेंटल लैब टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज है, जो कि टोटल 432 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहां से देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास, साथ ही साथ ITI का कोर्स होना जरूरी है। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो, उस ट्रेड के अंतर्गत आपकी ITI कम्प्लीट होना जरूरी है और 15 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेज में छूट मिलने वाली है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, EX सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल की अप्रेज में छूट मिलने वाली है। सैलरी की अगर बात की जाए, सैलरी आपको ऑर्गेनाइजेशन रोल के हिसाब से मिलने वाली है। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं और ITI बेस पर तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.org। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग डेट 11/9/2021, लास्ट डेट 10/10/2021 रखी गई है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कम्प्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।